जरा देर के लिए भी बर्दाश्त नहीं हूं मैं इनको। देखो देखो तो कैसे कर रहे हैं। क्या है? क्या क्या है? ये क्या 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 है? जो भी है तुमको जानने की जरूरत नहीं है। ये तुम तय नहीं करोगे? हम ही तय करेंगे, हमारा सामान है। लेकिन ये, अरे अरे ये तकिया, ये रानी वाला, ये मेरा है। अब जाओ, जहाँ जाना था। तो जा ही रहे थे ना, हम एक घर में एक कमरे में है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें एक दूसरे की शक्ल देखनी पड़ेगी। स्टडी रूम में जा रहे हैं हम, अब वहां मत धमकना तुम आके। ना ना, मैं तो मरे जा रही हूँ ना तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए, और भी अच्छे काम है मेरे पास करने को। और सुनो ना, अगर तुमको कुछ भी चीज की जरूरत हो ना, तो मुझको आवाज मत देना, समझे? तुमको अपना काम खुद करना था ना, तो जाओ करते रहो। हाँ तो कर लेंगे अपना काम मैनेज हम। हम ना खुद कर लेंगे, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए हमें। हाँ, समझी? वो तो दिख ही रहा है। लो गई कलम अंदर। हाँ तो निकाल लेंगे ना। हाँ हाँ निकाल लिया, तुम्हारे बस का नहीं है। अच्छा ऐसी बात है। अब जाओ, मुझको सोना है। बाबू, एक तो इनको लगता है कि ये सूरज है और बाकी सब ग्रह जो इनके आसपास गोल 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 घूमते रहते हैं, और मैं तो सबसे बड़ी वाली, देखना ही नहीं है इनके। एक तो इतना काम है, ऊपर से माँ जी ने और एक काम दे दिया, ये लोबान जला के पूरे घर की शुद्धिकरण करनी है, जिसकी तीनी इनकी फोटो छुआ दूं क्या? इतना ताप है इनमें, आग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे ही जल जाएगी। मिल गई। जीजी, ये चांद क्यों हो गई है? आगे भी तो बताओ, पूरी बात बताओ ना, हमारे पेट में दर्द होने लगा। पेट में दर्द होने लगता है, पूरी बात बताओ ना, कि ऐसा क्या है उस लोबान में कि वो लोग बिना एक दूसरे के रह ही नहीं पाएंगे? उसमें भांग है, जैसे रज्जो वो धुआं घर में फैलाएगी, अर्जुन और रज्जो को मदहोशी छा जाएगी, और फिर वो होगा जो हम चाहते हैं। वाह चीची, व्हाट एन आइडिया! इसका मतलब कि आज आप उस रज्जो के खाट बाबू को खाट बाबू बना के छोड़ोगी। अब हमारे सब्र का बहुत इम्तिहान हो गया। इससे इतनी अजीब सी महक क्यों आ रही है? लोबान की खुशबू तो अच्छी होती है। अरे वो नशीला लोबान सूंघते ही उसका नशा चढ़ जाता है,
और इंसान बेवजह ही खुश हो जाता है, इतना खुश कि उसे सामने वाले पे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, सिर्फ प्यार आता है। हे भोले बाबा, घर के साथ साथ इनकी भी थोड़ी शुद्धिकरण कर दो, गुस्सा शांत कर दो इनका। ओ खाद बाबू, तुम अंदर क्या कर रहे हो? नाटी वो। अरे लल्ला, तुम्हारी खोपड़ी कहाँ गई? जादू मंत्र चू। अरे चलो। ओ खाद बाबू, बीवी की ना बस मांग भरने से नहीं होता, उसकी मांगे भी पूरी करनी होती है, हर वक्त उस पे चिल्लाने से नहीं होता है। ए रज्जो, सड़प सड़प। जैसे तुम चिल्लाते हो, मुझको कितना मन करता है मैं बैठूं, तुमसे बातें करूं, तुमको एक तक देखते रहूं, और जब तुम ऐसे चिल्लाने लगते हो ना, तो मुझको मन करता है ना कि मैं तुमको कुछ तो कर दूं, ऐसे तुमको पकड़ के गोल 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 घुमाऊं और तुम मुझको। तो चलो चलो, पूरी करो बीवी की मांग, नाचो मेरे साथ। तुम इधर ही बैठ के आराम करो, मैं शुद्धिकरण करके आती हूँ। वैसे तो खाद बाबू खाद बाबू खाद बाबू बोल बोल के हमारा सर खा जाती है, हमें यहाँ देखने तक नहीं आई। नहीं मतलब हमने मना किया है तो हमारी सारी बात माननी जरूरी है तुम्हें? सॉरी सर, हम आपकी नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? हेलो, सॉरी, वो हमारा ध्यान कहीं कहीं और था। नहीं मतलब हम तुमसे ही बात कर रहे थे। अच्छा तुम सुनो, हमारी बात ध्यान से सुनो, वो जो सुल्तानपुर वाली फैक्ट्री है उसमें प्रोडक्शन बढ़ा दो तुम, यही कह रहे हैं बस। ओके सर। संभालो अर्जुन, संभालो खुद को, रज्जो की बात को इतना दिल पे मत। सर हाँ, कंपनी की बैलेंस शीट देख ली है ना आपने? हाँ हाँ देख लिया हमने, देख लिया। अच्छा सुनो, तुमसे बाद में बात करते हैं हम। क्या चला दिया इस लड़की ने? हे महादेव, हमारे ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो, कुछ भी चमत्कार करके अर्जुन और रज्जो को एक कर दो बस। हमारे लल्ला की जान की रक्षा अब आपको ही करनी है भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, इस माँ की दुविधा को दूर करो, मैं कितनी भी कोशिश करूं मेरा दिल बार बार यही कह रहा है कि मेरी रज्जो के साथ जो हादसा हुआ उसके पीछे ये पुष्कर ही है। हे त्रिनेत्रधारी, हम पे सारा दोष ही डालोगे क्या? अरे थोड़ी अपनी कृपा भी बरसाओ, बहुत साथ दे दिया तुमने इन माँ बेटी का, अब थोड़ा हमारी तरफ भी आओ। लाओ भगवान, इसकी असलियत सामने लाओ, कुछ ऐसा करो जिसके बाद ये कुछ करने लायक ही ना रहे। इतना भी नालायक मत समझो हमको शिव शंभू,
अरे हमसे बड़ी वाली तो ये मधुमालती है जो अपने एक बेटे के लिए रज्जो की जान लेना चाहती है, तो हमारा तो पूरा परिवार है। अब पांच लोगों की भलाई के लिए एक जान तो ली ही जा सकती है ना महादेव। तो साथ तो हमारा महादेव, भगवान को हमेशा बलवान का ही साथ देना चाहिए। हे भोलेनाथ, तुम तो कमजोरों का साथ देते हो ना, तो मेरा भी साथ दो। अगर मेरी बच्ची के साथ हो रहे हादसों में इस पुष्कर का हाथ है तो मुझे कोई संकेत दो, कोई इशारा दो भोलेनाथ, कोई इशारा दो। काट लेगा वो आपको, ऐसा हिलना नहीं, जैसे है वैसे रहिए आप। हाँ भैया, भैया सांस मत लो बिल्कुल, एकदम लाश बन जाओ भैया, हिलो मत। चिराग प्लीज कुछ करो, चिराग किसी को बुलाओ। डैडी, चिराग ये आसपास में कोई सपेरा होगा, उसको बुलाओ। कोई हटाओ इसे, हमारा दम घुटा है। आज फैसला कर ही दो भोलेनाथ, इस मक्कार को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। ये हमारे मंदिर के नाग देवता है, इससे पहले कभी इन्होंने ऐसा नहीं किया, पता नहीं आज इन्हें क्या हो गया। आज तो तू बच गया, पर भोलेनाथ ने ये साफ कर दिया है कि मेरी रज्जो का बुरा चाहने वाला एक तू ही है। तो अब बस तू एक कदम बढ़ा मेरी बच्ची की तरफ, फिर देखना मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ। अरे भोले बाबा क्षमा करना, कोई गलती हो गई हो तो। माँ हमें निकलना चाहिए। हाँ हाँ चलो चलो चलो। Thank you.
क्यों कर रही हो तुम हमारे साथ ऐसा? क्या कर रहे हो? दीवाना, दीवाना बना रही हूँ मैं। पता है जब तुम सामने होती हो ना तो और कुछ सोच नहीं पाते हैं, और जब तुम सामने नहीं होती हो तो तुम्हारे बारे में ही सोचते रहते हैं। तो पहले ऐसे नहीं थे हम, बहुत सॉर्टेड थे पहले। दिल और दिमाग दोनों को अलग रखते थे हम, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब दिमाग तुम्हारे सामने बंद हो जाता है और दिल दिल बहुत तेज भागता रहता है, जैसे किसी रेस में भाग रहा हूं, बहुत तेज। आई स्वेयर तुम्हारे होके रह गए। पता है क्या, हमें ना गुस्सा आता है, हम तुमसे खुद कहते रहते हैं कि तुम दूर जाओ दूर जाओ, और जब तुम दूर जाती हो तो तुमसे शिकायत करते रहते हैं। हमें गुस्सा आता है जब हम तुम्हारे सामने झुकते हैं, लेकिन पता है क्या, एक सुकून भी मिलता है कि हम तुम्हारे सामने झुकते हैं। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों कर रही हो तुम हम पे जादू? जादू फेर रही हो ना? जादू तो हाथ की सफाई है ना? फिर तुम इन आंखों से क्यों खेल रही हो? बोलो ना, क्यों कैद कर रही हो इन आंखों में? हम निकल नहीं पाएंगे, सच में हम निकल नहीं पाएंगे, काबू नहीं कर पाएंगे खुद को। बोलो ना, क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों लगता है तुमको ऐसा? क्यों लगता है कि तुम मुझको अपने दिल दिमाग और ख्याल से नहीं निकाल सकते? क्यों कर रहे हो? शायद हम ऐसा ही चाहते हैं बच्चों, शायद हम ऐसा ही चाहते हैं कि तुम्हारे ख्याल के अलावा और कोई ख्याल ना हो, तुम्हारी बातों के अलावा और कोई बातें ना हो, तुम्हारे अलावा और कोई नजर ना आए, कोई भी नहीं। यही बेईमानी करने को दिल करता है। ये बेईमानी करने के लिए हम खुद कह रहे हैं अपने दिल दिमाग से, क्योंकि हम तुम पे मर मिटे हैं। हम ऐसा ही चाहते हैं खुद से। तुझसे तुम ध्यान मत दो। तुम पे? हम पे दो, तुम उस घंटी पे ध्यान मत दो। अच्छा। क्या अच्छा? हाँ? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।